हेलो एवरीवन, तो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। मैं आप लोगों को बता दूँ, यदि आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है उस लिंक को कॉपी कर आप टेलीग्राम ऐप में पेस्ट कर सकते हैं, तो मेरा चैनल वहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया गया है अ कोर कटर 12.6 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 10.2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हमें दिया गया है हाइट ऑफ द कोर कटर 12.6 सेंटीमीटर, फिर हमें डायमीटर दिया गया है, डायमीटर कितना है, डायमीटर है 10.2 सेंटीमीटर और इसका जो वेट है वो 1071 ग्राम दिया गया है। सो इसको मैं W1 लिख देता हूँ, एम्प्टी वेट है ये, मतलब खाली कोर कटर का वेट दिया गया है 1071 ग्राम। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन दी इन सेतु यूनिट वेट ऑफ एन एम्बैंकमेंट। ठीक है, एम्बैंकमेंट का इन सेतु यूनिट वेट निकालने में हमें इसका यूज करना है। द वेट ऑफ कोन कटर फुल ऑफ सॉइल इज 2970 ग्राम, है ना। तो आपको W2 में मान लेता हूँ, W2 कितना दे रखा है, जब सॉइल उसमें फिल हो जाती है तब 2970 ग्राम दे रखा है। अब W2 माइनस W1 आपका क्या बन जाएगा, W बन जाएगा जिसको मैं वेट ऑफ सॉइल कह रहा हूँ। तो आपके पास वेट ऑफ सॉइल W2 माइनस W1 आया, तो W मैं लिख रहा हूँ 2970 माइनस 1071। तो आपके पास W का जो वैल्यू है इट इज़ कमिंग 1899 ग्राम। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या आ चुका है, टोटल वेट ऑफ सॉइल आ गया। अब मैं यहीं पर इसका एक और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि है आपका वॉल्यूम निकालने का। जो कोर कटर है उसका वॉल्यूम मैं निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोर कटर क्या होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, होलो होता है, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू हैच। तो ये आप लोगों का क्या हो चुका है, इसका वॉल्यूम हो चुका है कोर कटर का। तो इंटरनल वॉल्यूम पाई बाय 4 डी स्क्वायर, सो पाई बाय 4, डायमीटर है अपने पास 10.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इनटू हाइट है 12.6। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा 1029.582 सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमारे पास क्या है, टोटल वॉल्यूम आ गया। यहाँ तक की बात क्लियर। तो देखो मेरे पास टोटल वेट आ चुका है, यहाँ देखेंगे मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ चुका है। टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम से क्या मैं डेंसिटी निकाल लूँ, बिल्कुल निकाल लूँगा, डेंसिटी कहूँ या यूनिट वेट कहूँ। तो यहाँ पर यूनिट वेट या डेंसिटी जो आप कहना चाहें कह सकते हैं, हालाँकि डेंसिटी वर्ड तब यूज़ करते हैं जब हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में या किलोग्राम केजी पर मीटर क्यूब में एस्टिमेट करते हैं, और यूनिट वेट तब कहते हैं जब हम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब में एस्टिमेट करते हैं। तो अभी फिलहाल में हम डेंसिटी कह सकते हैं, जिसको मैं गामा से भी डिनोट कर सकता हूँ, रो से भी डिनोट कर सकता हूँ, जैसा आपको सूटेबल लगे। तो मैं गामा यूज़ कर रहा हूँ जो कि बल्क को शो करता है। सो टोटल वेट, ये आपका टोटल वेट 1899 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 1029.582। तो आपका जो वैल्यू है गामा का वो आ रहा है तकरीबन 1.844, है ना, 1.844 आ रहा है। तो आप लोगों का क्या हो चुका है, बल्क यूनिट वेट हो चुका है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1.844 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी को यदि आप और लिख देता हूँ, इसी को आप यदि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में एस्टिमेट करना चाहें तो आप इसमें 9.81 का मल्टीप्लाई कर दो। किसका मल्टीप्लाई करोगे, 9.81 का। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, और इसकी वैल्यू आ रही है 18.094 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर, तो ये आप लोगों का क्या आ चुका है, बल्क डेंसिटी आ चुकी है या बल्क यूनिट वेट आ चुका है। यहाँ तक की बात ख़त्म। तो मैंने देखो अभी तक क्या किया है, मैंने अभी तक वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो था, जो वॉल्यूम ऑफ कोर था उस कोर में ही तो सॉइल कलेक्ट हुआ है ना,
मतलब वॉल्यूम ऑफ कोर ही क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, तो वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल का यूज़ करते हुए मैंने यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकाल लिया, बल्क यूनिट वेट निकाल लिया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी और किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब में भी। इसके अंदर 9.81 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक की बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आगे बोल रहा है द वेट ऑफ कोर कटर सॉइल इज 2970। ओके, आगे लिखा है द वाटर कंटेंट इज 6%, मतलब ये जो कोर कटर में सॉइल कलेक्ट हुई है उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो 6% है। व्हाट आर द इन सेटू ड्राई यूनिट वेट एंड पोरोसिटी, तो हमें अभी फिलहाल में पूछा गया है ड्राई यूनिट वेट निकालने को और पोरोसिटी निकालने को, ठीक है। तो चलिए ड्राई यूनिट वेट एंड पोरोसिटी हम लोग यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात यहाँ पर देखना है कि या मैं आप लोगों को कहूँ, मैं दो तरीके से यहाँ पर ड्राई डेंसिटी निकाल सकता हूँ। कैसे दो तरीके हो सकते हैं, है ना। वाटर कंटेंट उन्होंने दिया है मुझे 6%, वाटर कंटेंट है अपने पास में 6%, मतलब 6% बोले तो 0.06 हो गई बात अपनी, है ना। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बोल रहा था कि वेट एक तरीका देखो, दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक तरीका आपका क्या कि वेट ऑफ सॉलिड निकाल लो पहले, टोटल वेट डिवाइड बाय 1+ वाटर कंटेंट। एक तरीका ये हो गया कि आप वेट ऑफ सॉलिड निकाल लो, और वेट ऑफ सॉलिड में आप लोग क्या करो, चलो एक तरीका मैं आप लोग को सॉल्व करके बता देता हूँ। वेट ऑफ सॉलिड हम लोगों ने निकालने की कोशिश करी, है ना। तो वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, टोटल वेट, टोटल वेट क्या है सॉइल का 1899 ग्राम है, डिवाइड बाय 1+ वाटर कंटेंट 0.06 है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वेट ऑफ सॉलिड का वैल्यू आ जाएगा, और वेट ऑफ सॉलिड आ रहा है 1791.509 ग्राम में, ठीक है। तो ये वेट ऑफ सॉलिड हो गया। जैसे ही वेट ऑफ सॉलिड निकल गया आप ड्राई डेंसिटी इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी होता है आप लोगों का टोटल वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो भैया टोटल वेट ऑफ सॉलिड तो अपने पास ऑलरेडी है ना 1791.50 ग्राम, और टोटल वॉल्यूम ये रहा आपका टोटल वॉल्यूम, है ना 1029। सो 1029.582 हमने यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास ड्राई डेंसिटी आ चुकी है 1.74, या ये आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। इसके अंदर आप 9.81 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गामा डी आ जाएगा 17.07 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, है ना। 1.74 में आप 9.81 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो मैंने एक आंसर हमारा निकाल दिया ड्राई डेंसिटी का, वो यदि आपसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये दे दो, किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये आंसर दे दो। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ड्राई डेंसिटी निकालने का वो एकदम आसान है। ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है यदि कि वो होता है बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाय 1+ वाटर कंटेंट, सिंपल। तो देखो भैया बल्क यूनिट वेट में ऑलरेडी निकाल लिया था 1.844, तो बस यहाँ पर पुट कर देता हूँ इस फॉर्मूले में। तो देखो 1.844 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1+ वाटर कंटेंट, और वाटर कंटेंट कितना है 6%, सो 0.06 सॉल्व करूँगा मुझे सीधे आंसर मिल जाएगा 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। इसको किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब में आप वापस से 17.07 दे सकते हैं, है ना। तो ये तरीका हो गया। तो दो तरीके, मतलब या तो वेट ऑफ सॉलिड निकालो फिर वॉल्यूम से डिवाइड करो, या फिर डायरेक्टली यदि आपके पास फॉर्मूला पता है ड्राई डेंसिटी इक्वल टू बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय 1+ वाटर कंटेंट, तो इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। ख़त्म इतनी बात। तो हमने एक आंसर निकाल दिया। दूसरा हमें क्या निकालने को कहा गया है, पोरोसिटी हमें निकालने को कहा गया है। तो चलिए हम पोरोसिटी की तरफ मूव करते हैं। पोरोसिटी निकालना है तो मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है ड्राई डेंसिटी का, कि गामा डी इक्वल टू होता है जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1+ ई। ये फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। सो जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1+ ई में आप लोग देखिए गामा डी इक्वल टू, अच्छा गामा डी का वैल्यू हम लोगों के पास में है कितना है हमारे पास गामा डी, ये है हमारे पास 1.74, ये रहा हमारे पास 1.74। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करा 1.74 इक्वल टू जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। क्या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, हाँ क्वेश्चन में ये दिया गया है 2.69 है। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2.69
ठीक है, इनटू यूनिट यूनिट वेट ऑफ वाटर डेंसिटी कितना लेते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड बाय 1 प्लस ए। तो आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आपके पास वॉइड रेशो कितना आ जाएगा, ये वॉइड रेशो आपके पास आएगा 0.546। ठीक है, तो ये आपके पास वॉइड रेशो आ चुका है। अब जैसे ये वॉइड रेशो आया 0.546, इसका यूज़ करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, पोरोसिटी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को एक रिलेशन याद होगा पोरोसिटी और वॉइड रेशो के बीच में, क्या रिलेशन होता है, रिलेशन होता है हमारे पास 1 माइनस पोरोसिटी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वॉइड रेशो, है ना। तो यहाँ से हमने 1 माइनस पोरोसिटी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वॉइड रेशो की वैल्यू कितनी निकाली थी, 0.546। तो यहाँ से हमारे पास पोरोसिटी आ चुका है 0.353। यदि आप परसेंटेज में एस्टिमेट करना चाहते हैं अपना आंसर तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 35.3% आपका क्या आ चुका है, पोरोसिटी आ चुका है। तो ये मेरा क्या है, दूसरा आंसर आ चुका है। तो देखो मुझसे पहला इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए, ड्राई यूनिट वेट, और दूसरा पूछा गया था पोरोसिटी निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ड्राई डेंसिटी निकालना बता दिया, मैंने आप लोगों को यहाँ पर पोरोसिटी भी निकालना बता दिया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आगे बोल रहे हैं इफ द एम्बैंकमेंट गेट्स फुल्ली सैचुरेटेड ड्यू टू हैवी रेन्स What will be the increase in water content and bulk unit weight? मतलब यदि आपका जो embankment है वो बारिश होने के कारण एकदम fully saturate हो चुका है तो उस time पर water content definitely increase हो गया होगा और bulk unit weight भी increase हो गया होगा क्योंकि पानी का weight अब उसमें हमें लेना पड़ेगा। तो और कोई भी volume change नहीं हो रहा embankment का, तो बताइए स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि 2.69 कंसीडर करें तो वाटर कंटेंट और बल्क यूनिट वेट में कितना इंक्रीज हुआ है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो टोटल 4 आंसर देना थे, 2 आंसर मैं दे चुका हूँ, आगे के 2 आंसर के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। वो बोल रहा है रेनिंग हुआ, सो आफ्टर रेनिंग हम बात करते हैं क्या होगा, है ना। आफ्टर रेनिंग आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन उन्होंने क्या करने को कहा है, 1 कंसीडर करने को कहा है, सॉइल फुल्ली सेचुरेट हो जाती है। वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या लिखा है, इफ़ नो वॉल्यूम चेंज ऑकर, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यदि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है मतलब वॉइड रेशो में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो आपका आफ्टर रेनिंग भी वॉइड रेशो क्या बना हुआ है, सेम बना हुआ है 0.546 का, डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका 1 बना हुआ है। तो मुझे तो एक रिलेशन याद आ रहा है ES इक्वल टू डब्ल्यू जी का, ES इक्वल टू WG का एक रिलेशन हमारे पास मौजूद है। तो इसके अंदर चलो हम वैल्यूज पुट करते हैं, 0.546 इंटू 1 इक्वल टू वाटर कंटेंट विच आई वांट टू डिटरमाइन, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 2.69 है। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो यहाँ से आपको सॉल्व करने पर जो वाटर कंटेंट का वैल्यू है वो वैल्यू आ रहा है तकरीबन 0.203। इफ़ यू वॉन्ट टू एस्टिमेट द वाटर कंटेंट इन परसेंटेज तो आपका आंसर हो जाएगा 20.3%। मतलब जब सॉइल फुल्ली सेचुरेट होगी उस टाइम पे वाटर कंटेंट उसमें कितना मौजूद होगा, 20.3% मौजूद होगा। क्या 20.3 मेरा आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है फिर, आंसर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, उन्होंने ये नहीं पूछा है कि सॉइल सेचुरेट होती है तो वाटर कंटेंट का वैल्यू क्या होगा, उन्होंने ये पूछा है कि यदि सॉइल सेचुरेट होती है तो वाटर कंटेंट कितना इंक्रीज हो जाता है। तो पहले ऑलरेडी कितना दिया गया था, ऑलरेडी हमारे पास 6% की वैल्यू थी, वो अब इंक्रीज हो गया है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, है ना। तो इंक्रीज इन वाटर कंटेंट विल बी इक्वल टू 20.3 माइनस 6, सो यू आर गेटिंग 14.3%। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इंक्रीज इन वाटर कंटेंट यदि 14.3% आ रहा है तो एक आंसर हमारा ये हो गया थर्ड नंबर का। फोर्थ नंबर का उन्होंने पूछा है आफ्टर रेनिंग आपके डेंसिटी में कितना इंक्रीज होगा, बल्क यूनिट वेट कितना इंक्रीज होगा। तो देखो आफ्टर रेनिंग आपकी सॉइल फुल्ली सेचुरेट हो गई है, मतलब मुझे गामा सेचुरेट एस्टिमेट करने की ज़रूरत है। सो तो गामा सेचुरेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जी प्लस ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू होता है। तो गामा सेचुरेट इज़ इक्वल टू
2.69 प्लस वॉइड रेशो हम लोगों ने कितना निकाला था, 0.546 निकाला था। एक बार देखते हैं, 0.546 निकला था, हाँ 0.546 निकला था। तो वो हमने यहाँ पर पुट किया, डिवाइड बाय 1 प्लस 0.546 इंटू, यदि आप किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब में एस्टिमेट करना चाहते हैं तो 9.81 का सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एस्टिमेट करना चाहते हैं तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1 रखो। तो मैं किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब में डायरेक्टली एस्टिमेट कर देता हूँ। सो गामा सेचुरेट मेरे पास आ चुका है 20.534 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई गामा सेचुरेट की? यस सर, क्लियर हो गई। अब यदि ये गामा सेचुरेट आ गया है तो क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है? इंक्रीज इन यूनिट वेट कितना हुआ, है ना, इंक्रीज इन यूनिट वेट हमें यहाँ पर निकालने की ज़रूरत है। तो इंक्रीज इन यूनिट वेट क्या होगा? अभी फ़िलहाल में मेरे पास वैल्यू कितनी निकली है, 20.534 का, क्लियर। और मैंने बिफोर रेनिंग कितना डेंसिटी निकाला था, 18.0934 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो 20.534 माइनस 18.094 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, सॉल्व करने पर जो डिफरेंस है वो आ रहा है 2.44, करीब करीब देखना 2.44 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब के आसपास मुझे वैल्यू देखने को मिल रही है। तो ये मेरा क्या है, थर्ड नंबर का आंसर आ चुका है। तो चारों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। चार आंसर कौन कौन से दिए हैं देखो, उन्होंने एक तो मुझसे ड्राई डेंसिटी पूछा था, तो ये आप लोगों का फर्स्ट आंसर हो गया ड्राई डेंसिटी का। सेकंड उन्होंने मुझसे पोरोसिटी पूछा था, तो ये आप लोगों का सेकंड आंसर हो गया पोरोसिटी का। थर्ड उन्होंने इंक्रीज इन वाटर कंटेंट पूछा था, तो ये आप लोगों का थर्ड आंसर हो गया 14.3%। और फोर्थ उन्होंने मुझसे पूछा था सेचुरेटेड यूनिट वेट, सॉरी ये नहीं, इंक्रीज इन सेचुरेटेड यूनिट वेट, तो ये आप लोगों का फोर्थ आंसर यहाँ पर हो गया, क्लियर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, चार इसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों के आंसर मैंने दे दिए। आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट ने आंसर दिए होंगे, और मैंने चेक भी किया था कमेंट्स में, काफ़ी सारे स्टूडेंट दिए भी थे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर पोस्ट किए थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।